आपके लिए कुछ खाने को मंगवा दूं? नहीं, भूख नहीं है, थैंक यू। आपको डॉक्टर हिना बुला रही थी, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। एमर क्यों आया था? एमर आया था? कब? तुम बेहोश नहीं थी, जाग रही थी, सिर्फ आंखें बंद की हुई थी ना? क्यों आया था वो? बस कर, बस कर दो! तुम्हारी ये तारे और तुम्हारी ये बातें तंग आ गई, तंग आई हूँ मैं। अच्छा? तुम खुद मुझे हॉस्पिटल लेके आए हो, मेरी तबीयत खराब हुई, मेरी कंडीशन जानते, मेरी रिपोर्ट तुम्हारे सामने, और तुम अकेलो कि मेरी ड्रामा नहीं खत्म हो रही। किस तरह अपने आप को संभाल रही हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ। एक जब खत्म नहीं होती कि दूसरी डोज के चले जाते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। देख रहा हूँ मैं, अंदाजा है मुझे तुम किस हसीयत से गुजर रही हो। जब से हम दोनों साथ हैं, हम इसी तरह लड़ते हुए आ रहे हैं। क्यों ना इस लड़ाई को खत्म कर दिया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। क्या रास्ता है तुम्हारे पास? तुम जो चाहते हो मैं करने को तैयार हूं, बताओ। मैं नहीं मानता कि बच्चा मेरा है, और अहमद भी इस बात से इनकार कर रहा है। एक दफा सच बोल क्यों नहीं देती? कौन था वो तीसरा शख्स? तुम जानते ही नहीं, जब बात दो लोगों के बीच में हो ना, तो तीसरा सिर्फ खुदा होता है। और ये जो एमर की बातें तुम मुझे बोलते रहते हो ना बार बार, बस कर दो। लाख दफा तुम्हें बताया है कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा है। इस बात की गवाह या तो मैं हूं, और तीसरा खुदा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा। इस बात की गवाह या तो मैं हूं, और तीसरा खुदा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा। सुबी, तुम रो रही हो? बेबसी के आंसू। हम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, और तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। क्यों? तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो आपसे ये रिश्ता तो मेरी खुश नसीबी है। तो फिर ये सब बचपन से लेके आज तक अपनी हर खुशी हर गम मैं बच्चों के साथ शेयर करती आई हूं।
आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन और बच्चों इसमें शरीक नहीं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, न जाने किस हाल में है वो, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती। सूफी, इस वक्त दोनों के बीच में किसी तीसरे का जिक्र नहीं होना चाहिए। मेरे जहन से नहीं निकल रहा, दिल बहुत बहुत परेशान है। I'm really sorry. मैं जानती हूँ इस वक्त मेरे दिल में किसी दूसरे का ख्याल नहीं आना चाहिए था। बच्चों के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करूं, वो मेरी बहन है ना। आप नहीं समझेंगे, देखो तुम रिलैक्स करो, तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं, तुम काम रही हो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा एक मिनट, से आराम आ जाएगा तुम्हें। ये हमारी शादी का पहला तोहफा। नए रिश्ते को कबूल करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। आ गई आपकी, पता है मैं कुछ खास लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा तो मैं खास हुआ? जाहिर है आप तो बहुत खास हैं, मेरे दूल्हा भाई जो है। तो मुझे भी लगेगा। तुम जाओ, चेंज करो, फिर आराम करना, थक गए होगे तो। Yeah.
सुधीर तुम ठीक तो? जी क्या सोच रहे हैं? इंसान सोचता है कि जिंदगी गुजार लेना बड़ा आसान काम है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्या बात है, कोई परेशानी? परेशानी अब क्या होगी, जूबी खैर से अपने घर चली गई है। अल्लाह उसे खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। सो जाओ ना तुम भी, अब थक गई होगी, बाकी काम सुबह कर ले। हामिद, मैं सुबह जल्दी जाऊंगी सादिया के पास, परेशानी हो रही है उसकी तरफ से मुझे। मैं जूबी को इज्जत से भेज के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, जरूरी था इस वक्त ये बात करनी। हॉस्पिटल में है वो, मैं परेशान हूं उसके लिए। मुझे अपनी परेशानी मत सुनाओ। आप कितना भी गुस्सा कर लें, कुछ भी हो जाए, मैं सुबह जरूर जाऊंगी। पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी तस्वीरें, झूठी तेरी थी बातें, झूठी तेरी वफादारियां, जा देखी तेरी यारियां। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं कुछ कामों में फंसी हुई हूँ, अभी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती। इसका मतलब समझती हैं आप? मौत। आप अपने साथ ज्यादती क्यों कर रही हैं? क्यों इतनी बेजार हैं खुद से? मेरी जिंदगी के मेरे लिए सिर्फ इतनी अहमियत है कि मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, मैं उन्हें सेटल कर सकूं। अपनी जान दे दी? जी, शायद अपनी जान देंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका अपना ही है, मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाह रही थी। और वो आपने बहुत अच्छी तरह से किया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। खुदा हाफिज़। अमर तो बचपन से ही मेरे हाथ के बनाए हुए पराठे बड़े शौक से खाता है, बहुत पसंद है इसे। आज तुम भी खाकर बताओ कैसे हैं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है बेटा? ठीक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोती रही हो? बेटा शादी का अगला दिन है और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं है। मुझे तो लग रहा है नहीं जैसे... वो रात भर सर में दर्द था ना, शायद इसलिए। अरे जी, इन्होंने टेबलेट दी थी तब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ था दर्द। हो, अब तो नहीं दर्द हो रहा? नहीं, ठीक हूँ। चलो शुक्र है। बेटा नाश्ता तो शुरू करो। चाय पियोगे?
चाय लोगी? अम्मी ने कहा था कि वो सुबह सुबह आ जाएंगी। तुम तो छोटे बच्चों की तरह अम्मी अम्मी कह रही हो। करी तो मिल के आई थी उनसे। ये जुबी को कह रहे हो? बेटा अपने बारे में क्या ख्याल है पता है जुबी? थोड़ी देर के लिए नजर ना हो ना तो फौरन अम्मी अम्मी करने लगता है। मैं अम्मी से फोन करके पूछ लूं। तुम नाश्ता कर लो पहले, फिर मैं ले जाता हूं। बेटा कैसी है सादिया की तबीयत? आप परेशान मत हो, ठीक है। लास्ट शिफ्ट लग रही है उसे। कहाँ है, कौन से कमरे में? यहाँ से स्ट्रेट। मैं उससे मिल के आती हूँ। बेटा तुम भी परेशान मत हो, ये ऊंच नीच जिंदगी में आती रहती है। जब अल्लाह खुशियों से गोद भर देगा ना तो तुम्हें ये परेशानियां याद भी नहीं रहेंगी। जीते रहो। सादिया से पता भी था कि तुम लोगों ने आना है। तो फिर कहाँ चली गई है? कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते। बच्चों के पास तो नहीं गई है ना? नहीं, यहीं गई है, अड़ोस पड़ोस में गई होगी किसी काम से। तुम बैठो, बल्कि मैं तो कहता हूँ अहमर के लिए चाय ही बना लो। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वेन्यू का चक्कर लगा के आता हूँ, जूबी तब तक इधर ही है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं भी एक मिनट आती हूँ। अहमद एक मिनट। वो हमें बच्चों को देखने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं उसे अपने दिल से निकाल चुका हूँ। फिर भी जो तुम चाहोगी, मेरा फैसला उससे अलग नहीं होगा। लेकिन आज वलीमा है ना, बहुत सारे काम हो जाए। अच्छा ठीक है, कल चले जाएंगे। जाऊँ। वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जानती हूँ आप सादिया की उस हरकत की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस में। मैं हैंडल कर रही हूँ ना, तुम प्लीज ना पढ़ो इस मामले में। लेकिन उमर भी हर वक्त परेशान रहता है, मुझे फिक्र होती है। मैं तुम दोनों की माँ हूँ, अपने से ज्यादा मुझे तुम दोनों की फिक्र होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने रात को जिस तरह पैनिक करके मुझे फोन किया है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई होगी? I'm sorry mom, मैं आपको नहीं फोन करना चाहती थी, लेकिन वो मायरा है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है एकदम से। प्लीज सुंबल प्लीज, मैं पहले ही उमेर की वजह से बहुत सारे मसले फेस कर रही हूँ, तुम तो मुझे रिलैक्स रख सकती हो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो।
तुम्हारा ही फैसला था ना। देखो बेटा, लर्न टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। साहिर तुम्हें कितना चाहता है, उसके बाबा तुम्हें इतना प्यार करते हैं। लेकिन वो ये भी बता चुके हैं कि साहिर मायरा को ज्यादा चाहता। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं चाहता? आप उनकी साइड क्यों ले रही हैं? मैं उनकी साइड नहीं ले रही सुंबुल, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके दिल के भी कोई करीब होता है। दिल को बड़ा करो, मोहब्बत करके देखो, मोहब्बत करना सीखो, खुद बहुत इज्जत मिलेगी तुम्हें। कोशिश तो करके देखो। सब खैरियत से हो गया ना मम्मी? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया, हालांकि वक्त बहुत कम मिला था हमें। प्यारी लग रही होगी गुड़िया जैसी। हाँ प्यारी लग रही थी, खुश भी थी बहुत। तुम्हें भी याद कर रही थी। डॉक्टर ने इसे डिस्चार्ज कर दिया, हम घर चल रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी बेटी ठीक हो गई है। उमेर बेटा इसका बहुत ख्याल रखना, ये कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर सहती रहती है चुपचाप। आप फिक्र नहीं करें। चलो तुम लोग खैरियत से घर जाओ, मैं घर चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह। जी आपका अपना घर है जब दिल चाहे। जी फिर खुश। मैं बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता। हाँ हाय शुक्र अल्लाह का। मैं उसे अपने दिल से निकाल चुका हूँ, काश तुम्हें दिल से निकाल सकूं। निकाल देना चाहता हूं तुम्हें अपने दिल से सादिया। अंदर कैसे आए ये? अंदर कैसे आए? इसे मैंने यहाँ बुलाया, इसे मैंने यहाँ बुलाया। बहुत रोक दे रही थी, बहुत रोक दे रही थी। मम्मी और अब्बू को बता दूँ, मम्मी और अब्बू को बता दूँ। तो करो ना, जो बात करनी है इसके सामने करो, बात करनी इसके सामने करो। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात, कहा ना मुझे तुमसे कोई बात, कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ। अरे निकलो यहाँ, अरे आप निकलो, जाओ आप भी निकलो, आप भी निकलो, आप भी निकलो, आप भी निकलो, आप भी किया तुमने की? क्यों पागलों वाली हरकत की? खाली हाथ कर दिया मुझे, बहुत आराम से निकल सकता था वो, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। मेरा उमेर मुझसे छीन लिया तुमने, वो तुम्हारे साथ खुश है और चलती हूं मैं। Thank you.
क्या हुआ? क्या बात है बेटा, क्या हुआ बताओ मुझे। अब्बू। जूबी, जो भी बात है ना सच सच बताओ मुझे। कुछ पूछा हो तुमसे मैं, बता क्यों नहीं रही हो, रो क्यों रही हो तुम? बस आज इस कमरे में आई तो बच्चों की याद आ गई मुझे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन पता नहीं फिर कौन सी कयामत टूट गई है। क्या कहोगी, मैं सुन भी पाऊंगा कि नहीं? I'm sorry. मैंने बिना वजह आपको परेशान किया, I'm really sorry. ये कमरा असीब जदा है बेटा, तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। प्यारी बेटी हो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से चाय बना के पिलाता हूं, ठीक है? और अच्छा बेगम साहिबा, सादिया बीबी आई हैं। कैसी हो सादिया? आप कैसी हैं? कुछ नहीं, ठीक हूँ। बहुत कमजोर दिख रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? थक गई हूँ, अब तुम आ गई हो ना तो अपना घर संभाल लो। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं। जाओ तुम जाओ, थक गई होगी, जाओ। छोड़ दे, मैं उठा लेता हूँ। जब से होश संभाला है मॉम, हमेशा आपको हमारी खुशियों पे अपनी खुशियों को तरजीह देते देखा। आपने खुद आराम नहीं किया लेकिन हमेशा हमें सुकून में रखा। बदले में आपने क्या किया? खास तौर पर मैंने सिर्फ आपको तकलीफें दी है मॉम, सिर्फ आपको दुख पहुंचा है। मैं बहुत बुरा हूं मॉम, बहुत बुरा हूं। मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। माफ कर दे, बहुत बुरा हूं। यही बात है उमेर या कुछ और भी है? सब सच बताना चाहता हूं मॉम, मैं वहां जूबी के कहने पर गया था। जानती हूं मैं, कोई और बात कहना चाहते हो? मैं शर्मिंदा हूं, आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका ना, बहुत बहुत गलत है। दिले, साथियों के साथ भी बहुत गलत किया, बहुत तकलीफें दी उसको, बहुत अजियत दी उस बेचारे को, और बहुत चुपचाप सहती है वो। जो कुछ वो कह रही है वो सब सच है। तुम्हारे
तुम्हारे इस यकीन का मैं क्या मतलब समझूं? मैं उसने खुदा को गवाह बनाया मेरे सामने खड़े हो गए अपना आप कत्ल से लग रहा है मैंने बहुत गलत किया पाप उसके साथ मैंने उस पर शक किया उसके किरदार पर उंगली उठाई वो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है वो मैं बहुत गुनहगार हूँ खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा माँ अगर आप मुझे माफ कर देंगे ना मेरा खुदा भी मुझे माफ कर देगा खुदा तो तब माफ करेगा ना मैं जब सादिया तुम्हें माफ करेगी अगर तुम्हें यकीन हो चुका है उसकी बात का तो उससे माफी मांगो मुझसे नहीं ठीक है मां मैं आपके सामने उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूं प्रॉमिस चलो ये तुम कौन सी दवा खा रही हो सर दर्द इस हालत में खुली दवाइयां नहीं ले लेते लेकिन मम्मी सर में बहुत दर्द हो रहा था वो तो होगा सारा दिन रोती रहती हो टेंस रहती हो लेकिन अब रिलैक्स हो जाओ क्योंकि उमेर तुमसे कुछ कहना चाहता है पहले दिन से मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती किया ना मेरी सारी गलतियों पे मुझे माफ कर सकती हो प्लीज पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है झूठी तेरी थी बातें झूठी तेरी वफादारियां जा देखी तेरी जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो लेकिन शायद तुम्हारे सवालों की शर्मिंदगी मैं सह नहीं सकूंगा शर्मिंदा नहीं करना चाहती जानना चाहती हूं तुम्हारा हक देना चाहता हूं तुम्हें उस घर पे जो मुझ पे है वो हक सिर्फ हक अभी तो इस काबिल हो यार जब से मेरा और तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है बहुत सी ज्यादतियां की है ना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कहा लेकिन मेरा दिल चाहता है आज पहला कदम बढ़ाया तुम्हें इस कमरे में लाकर अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा हूं तुम मुझे माफ कर देना
तुम्हें तुम्हारा हक देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ जिंदगी गुजारनी है ना, मासी की गलतियों को माफ करना पड़ेगा। साथिया, तुमसे मोहब्बत का दावा तो नहीं करता, लेकिन वादा करता हूं कि अपनी गलतियों का मदावा जरूर करूंगा। वादा करता हूं तुमसे। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदाएं।